हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी शालिनीज किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन भरता। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जिसे मैंने ढाबा स्टाइल में बनाई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बैंगन भरता बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बैंगन भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज बैंगन लिया है जिसे मैंने पहले से धो के रखा है। इसे आप बीच से चाकू की मदद से काट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। फिर इसमें मैं लगाऊंगी कुछ 5 से 6 लहसुन की कलियां, कुछ इस तरीके से लगा दें दोनों साइड। इससे बैंगन के भरते की टेस्ट बहुत ही स्मोकी आती है, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर होती है हमारे भरते की। हमारे बैंगन अब तैयार है, इसमें लगा देते हैं तेल। मीडियम फ्लेम पे बैंगन को अच्छे से उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ मैं एक मीडियम साइज की टमाटर भी पका लूंगी। इससे इस भरते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी उलट पलट कर पका लेंगे। हमारी टमाटर जो है वो पक कर के तैयार है। इसे मैं एक साइड पर रख लूंगी। बैंगन को पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने दें। इसमें कुछ 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। हमारी बैंगन अब पक कर के अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसे मैं ठंडे पानी के बोल में 5 मिनट के लिए डाल के छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद इसे इसकी आउटर कवरिंग को ऐसे हटा देंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी बैंगन एक बोल में रख ली है मैंने। अब इसे एक फोर्क की मदद से मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। और हमारी लहसुन भी मैंने अलग कटोरी में रख ली है, इसे मैं अब बहुत ही बारीक काट लूंगी। तो चलते हैं हम अगली प्रोसेस पे जहाँ पे हम बैंगन भरता बनाना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक पैन को फ्लेम पर रख दिया है। तेल डाल के इसमें डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, अजवाइन। इसे 30 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। फिर डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर डालेंगे इसमें लहसुन, इसे भी 30 सेकेंड्स के लिए भून लें। फिर मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई प्याज। इसे अच्छे से मिक्स करें और 4 से 5 मिनट के लिए भून लें। 4 से 5 मिनट के बाद इसमें डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करें और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लें। फिर इसमें डालूंगी मैं जो हमने रोस्ट की थी टमाटर, वो बारीक काट के इसे भी ऐड कर दें। मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए पका लें मीडियम फ्लेम पे। फिर डालेंगे इसमें हरे मटर के दाने, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें। इससे इसकी टेस्ट अच्छी आती है, इसलिए मैंने यहाँ ऐड किया है। इसे मिक्स करें और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लें। फिर डालें इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। मिक्स करें और लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर डालेंगे नमक, धनिया पत्ती। मिक्स करें, ढक के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। 2 मिनट के बाद पैन के ढक्कन हटाएं। हमारी मसाला जो है वो बन करके तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी बैंगन। इसे अच्छे से मिक्स करें, ढक के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फिर से पका लेंगे। 2 मिनट के बाद पैन का ढक्कन हटाएं। हमारी बैंगन भरता बन करके तैयार है। आप इसे मिस्सी रोटी, प्लेन रोटी, चपाती या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी।
रिटर्न रेसिपीज़ के लिए आप प्लीज़ मेरे वेबसाइट shalinieskitchen.com को विजिट करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।